हलचल टीवी न्यूज। महिला व बाल आयोग, शिक्षा व ट्रांसपोर्ट विभाग की टीमों ने हाईकोर्ट के आदेश अनुसार टोहाना के कई निजी स्कूलों में छापेमारी की। विभाग की इन टीमों ने स्कूलों की बसों की जांच की तथा उन्हें उचित दिशा निर्देश दिए। इस दौरान यह भी आह्वान किया कि 31 मार्च के बाद हाईकोर्ट के पैरामीटरों पर जो स्कूल पालन नहीं करते उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान जहां ट्रैफिक पुलिस द्वारा बस चालकों व परिचालकों के लाइसेंस चेक किए गए तथा RC व हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, महिला व बाल हेल्पलाइन नंबर, बसों में लगे CCTV कैमरे, प्राथमिक चिकित्सक बॉक्स, फायर सेफ्टी के साधन, बसों का रंग पीला होना, बसों में स्पीड गवर्नर की जांच की, बस के आगे व पीछे के हिस्सों पर स्कूल व रूट नंबर का होना अनिवार्य बताया गया। उन्हें हाईकोर्ट के आदेश अनुसार 31 मार्च तक निजी स्कूल के वाहनों के 21 पैरामीटरों पर खरा उतरने के सख्त निर्देश दिए गए हैं तथा जो भी कमियां मिली उन्हें दूर करने के लिए कहा गया है। अगर 31 मार्च तक वे नियमों को पूरा नहीं करते तो उस उपरांत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पैरामीटर हैं, स्कूल वालों से कवर करवानी है। ठीक है जी। बाकी 2 फेब से चला हुआ हमारा जी, अब दोबारा डेट आई थी 14 से 30, 31 फेब चलेगा, 14 से 31 मार्च तक। आज कितने स्कूलों का दौरा किया? 11 स्कूल कवर किए टोहाना में। टोहाना के हमने 3 किए, फतेहाबाद के 5 और रतिया के। तो कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, मतलब ये आगे जारी रहेगी 31 तक। जितनी देर स्कूल मतलब अपने सभी पैरामीटर्स को कवर नहीं करते उतनी देर ये कार्रवाई जारी रहेगी। इनको कोई टोहाना से हलचल टीवी के लिए सुशील कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज।